सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। अगर आपने हमारी टॉप 5 सीक्रेट बेस वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ध्यान होगा कि हमने उस वीडियो में आपको बताया था कि इंडियन एयरफोर्स के पास एक MiG-25 फॉक्सबैट नाम का एयरक्राफ्ट था जिसे इतने गोपनीय तरीके से रखा गया था कि उसके बारे में ना तो देश में किसी को मालूम था और ना ही हमारे किसी दुश्मन को। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। तो आज के एपिसोड में हम आपको इंडियन एयरफोर्स के इस MiG-25 फॉक्सबैट एयरक्राफ्ट के बारे में एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं जिसने आज से करीब 21 साल पहले पाकिस्तान के आसमान को दहला दिया था। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे इंडियन एयरफोर्स ने इस MiG-25 फॉक्सबैट एयरक्राफ्ट को इतने सीक्रेट तरीके से रखा था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ये बात है मई 1997 की, जब इंडियन एयरफोर्स के इस MiG-25 फॉक्सबैट एयरक्राफ्ट ने एक सीक्रेट रिकॉनसेंस मिशन के तहत करीब 65,000 फीट की ऊंचाई पर सबसोनिक रफ्तार के साथ पाकिस्तानी एयर स्पेस में प्रवेश किया था। और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद अपने मिशन के तहत इस एयरक्राफ्ट ने इस्लामाबाद के पास कई सामरिक ठिकानों की तस्वीरें ली। और अपने मिशन को पूरा करने के बाद जब ये एयरक्राफ्ट वापस भारत की ओर मुड़ा तो पाकिस्तानी एयर स्पेस से बाहर निकलते ही एयरक्राफ्ट के पायलट ने इसकी रफ्तार को सबसोनिक से बढ़ाकर सुपरसोनिक यानी कि करीब मैक 2 तक कर दिया, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा सोनिक बूम जनरेट हुआ। और ये सोनिक बूम इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने इस्लामाबाद के आसमान को दहला दिया था। और जब तक पाकिस्तान इसके कारणों को जान पाता उससे पहले ही इंडियन एयरफोर्स का ये MiG-25 वापस अपने इंडियन एयर स्पेस पर पहुंच गया था। इंडियन एयरफोर्स के इस मिशन को क्लासिफाइड रखा गया था और इसी वजह से ये आज तक एक राज है कि आखिर क्यों इंडियन पायलट ने सोनिक बूम से पाकिस्तान के इतने ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का खुलासा किया था। क्योंकि अगर पायलट चाहता तो उसने जिस सबसोनिक रफ्तार से पाकिस्तानी एयर स्पेस में प्रवेश किया था उसी रफ्तार से वापस भी आ सकता था, जिससे ना तो कोई सोनिक बूम जनरेट होती और ना ही कभी लोगों को इस बात का एहसास होता। लेकिन कुछ स्पाइस फ्लाइट जैसी वेबसाइट्स ने अनुमान लगाया था कि MiG-25 के इंडियन पायलट के इस फैसले के पीछे का कारण ये था कि इंडियन पायलट पाकिस्तानी एयरफोर्स को ये दर्शाना चाहता था कि वे इंडियन एयरफोर्स की तुलना में बहुत ही कमजोर हैं। हालांकि इसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16AS फाइटर्स ने इसका पता लगाने के लिए उड़ान भरी, लेकिन जब तक ये पाकिस्तान के F-16 फाइटर्स इंडियन फाइटर का पता लगा पाते तब तक भारत का MiG-25 वापस अपने बेस पर पहुंच गया था। हालांकि भारत सरकार ने इस बात से पूरी तरीके से इनकार कर दिया था कि उन्होंने इस तरह के किसी भी मिशन को अंजाम दिया है, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री गौहर अयूब खान को पूरा भरोसा था कि इंडियन एयरफोर्स के इस MiG-25 फॉक्सबैट एयरक्राफ्ट ने इस्लामाबाद के पास कई सामरिक ठिकानों की तस्वीरें खींची हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर कैसे इंडियन एयरफोर्स के इस MiG-25 फॉक्सबैट एयरक्राफ्ट को इतने गोपनीय तरीके से रखा गया था कि इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। तो MiG-25 फॉक्सबैट को इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में 1981 में शामिल किया गया था और इसे बरेली में स्थित इंडियन एयरफोर्स के त्रिशूल एयरबेस के ट्राइसोनिक स्क्वाड्रन में तैनात किया गया था। इस ट्राइसोनिक स्क्वाड्रन में टोटल 8 MiG-25 फॉक्सबैट एयरक्राफ्ट थे और इन एयरक्राफ्ट को उड़ाने की जिम्मेदारी हर किसी पायलट को नहीं सौंपी जाती थी और इस एयरक्राफ्ट के लिए केवल उन्हीं पायलट्स को चुना जाता था जिन्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस प्राप्त है और जो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये एयरक्राफ्ट इतना ज्यादा गोपनीय था कि इसके बारे में इंडियन एयरफोर्स के अधिकतर सर्विंग ऑफिसर्स को भी मालूम नहीं था। और इसकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए इस एयरक्राफ्ट को बरेली एयरबेस तक डिसमेंटल कंडीशन में लाया गया था, यानी कि इसे एयरबेस में स्थापित करने के बाद असेंबल किया गया था। और फिर 25 सालों की एक बहुत ही बेहतरीन और गोपनीय सर्विस देने के बाद इस एयरक्राफ्ट को सन 2006 में रिटायर कर दिया गया था। और आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि इस एयरक्राफ्ट को आज तक केवल 42 इंडियन पायलट्स ने ही ऑपरेट किया है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता था कि त्रिशूल एयरबेस में स्थित इंडियन एयरफोर्स का ये MiG-25 फॉक्सबैट करीब 85,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। और चूंकि इस एयरक्राफ्ट को केवल टॉप सीक्रेट मिशन में ही इस्तेमाल किया जाता था तो इसी वजह से आप इस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स का जेम्स बॉन्ड भी कह सकते हैं।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।